बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वाले वीडियो में। उसमें दोस्तों हम बात करेंगे आईसीसी या रमादान T20 का जो दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा इसकी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड है इन दोनों टीमों की पिछले मैचों की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों MEM की जो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर की। तो MEM की तरफ दोस्तों वकास अहमद जो कि ओपन बल्लेबाजी करने आएंगे। लास्ट मुकाबले में उन्होंने दोस्तों 15 गेंदों में 32 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए थे और 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे दोस्तों। और इसमें इनका स्ट्राइक रेट जो था वो 213 का था। तो काफ़ी बेहतरीन पारी खेली थी वकास अहमद ने लास्ट मुकाबले में। उसके बाद जो है दोस्तों आते हैं खुर्रम ख्वाजा जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी भी करते हैं। लास्ट मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों सबसे बेहतरीन चॉइस होने वाले हैं कप्तान के खुर्रम ख्वाजा। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं दोस्तों, हर मुकाबले में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में बेहतरीन पॉइंट देते हैं, लेकिन इस मुकाबले में ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में। तो सबसे बेहतरीन चॉइस कप्तान के यही होने वाले हैं दोस्तों, हम इन्हें कप्तान बनाएंगे अपनी टीम में। ओपन बल्लेबाजी करने आते हैं, लास्ट मुकाबले में 0 रन बनाया था इन्होंने। उसके बाद आते हैं दोस्तों फैजान अवान जो कि दोस्तों विकेट कीपिंग के साथ साथ जो है बल्लेबाजी करते हैं, वन डाउन बल्लेबाजी करने आते हैं। लास्ट मुकाबले में इन्होंने 41 रन की पारी खेली थी, उससे पहले भी मुकाबले में इन्होंने 60+ स्कोर किया था। तो बेहतरीन बल्लेबाज फैजान अवान, इनको हम अपनी टीम में लेंगे दोस्तों। लास्ट मुकाबले में इन्होंने 36 गेंदों में 41 रन बनाए थे, 4 चौके और 1 छक्का, 113 का स्ट्राइक रेट था इनका दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों आसिफ खान जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे जो है दोस्तों। ये UAE की टीम की तरफ से भी खेलते हैं, तो बहुत ही सीनियर और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज दोस्तों आसिफ खान। लास्ट मुकाबले में इन्होंने 54 रन बनाए थे 35 गेंदों में और 2 चौके और 4 छक्के लगाए थे दोस्तों अपनी इस पारी के दौरान। इन्होंने 154 का स्ट्राइक रेट था इनका, तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट पिक होने वाले इस मुकाबले में। इनके अलावा जो है दोस्तों राशिद हबीबी कुछ खास प्लेयर हैं नहीं, तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद जो है दोस्तों आते हैं अली अनवार एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं दोस्तों, छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे। और इन्होंने लास्ट मुकाबले में 29 रन बनाए थे 17 गेंदों में 29 रन, 2 छक्के 2 चौके और 170 की स्ट्राइक रेट से। जार मोहम्मद लास्ट मुकाबले में 9 गेंदों में 21 रन बनाए थे दोस्तों इन्होंने। तो कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी रही थी लास्ट मुकाबले में MEM की टीम की। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। तो दोस्तों गेंदबाजी में जो है तहरान खान दोस्तों 3 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट निकाला था, तो बेहतरीन गेंदबाजी की थी तहरान खान ने। बाकी मुकाबलों में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं दोस्तों तहरान खान। राशिद हबीबी दोस्तों कुछ खास प्लेयर है नहीं, वैसे ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं, 5-6 नंबर बल्लेबाजी करने आते हैं। एक और लास्ट मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी की थी, तो आप चाहे तो उन्हें जो है ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, बाकी कुछ खास प्लेयर है नहीं। मुस्तफ़ा अयूब दोस्तों 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी करते हैं और लास्ट मुकाबले काफ़ी महंगे साबित हो गए थे, तो आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। हजरत बिलाल एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों, हर मुकाबले में बेहतरीन विकेट निकालते हैं, हर मुकाबले में 2 से 3 विकेट आसानी से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हजरत बिलाल को आप चाहे तो जो है अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, 2 विकेट उन्होंने निकाला था लास्ट मुकाबले में। खुर्रम ख्वाजा जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ओपन बल्लेबाजी करने आते हैं और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी भी करते हैं, लास्ट ये मुकाबला इनका दोस्तों पूरी तरह से जो है बहुत ही बुरी तरह से इस मुकाबले में ये फ्लॉप हो गए थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं खुर्रम ख्वाजा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाले हैं दोस्तों खुर्रम ख्वाजा इस मुकाबले में। उसके बाद जो दोस्तों आते हैं कैसर महवरी, 1 ओवर की गेंदबाजी की थी उन्होंने लास्ट मुकाबले में, 1 ओवर में 12 रन दिए थे। अली अनवार जो कि दोस्तों 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी करेंगे, लास्ट मुकाबले में इन्होंने 3 विकेट निकाला था, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर होने वाले इस मुकाबले में। उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में FES की जो टीम है फ्लाई अमीरात की, इसकी बैटिंग ऑर्डर आपको दिखाते हैं। तो यष्टिका अबेकोर जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करेंगे फ्लाई अमीरात की टीम की तरफ से, और उसके बाद जो दोस्तों इन्होंने 9 गेंदों में 15 रन की पारी खेली थी लास्ट मुकाबले में। इरफान आरिफ जो कि दोस्तों लास्ट मुकाबले में जो है 13 गेंदों में 20 रन की पारी खेली थी और ओपन बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों इरफान आरिफ। उसके बाद आते हैं दोस्तों दमित जयसूर्या, विकेट कीपिंग बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों, 5 गेंदों में 4 रन की पारी खेली थी लास्ट मुकाबले में इन्होंने। कृष्णा चंद्रन 30 गेंदों में 44 रन की पारी खेली थी इन्होंने। और उसके बाद जो है दोस्तों आते हैं कृष्णा कुमार रामा कृष्णा 20 गेंदों में 30 रन की पारी खेली थी दोस्तों। कृष्णा कुमार रामा कृष्णा
पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही साथ जो है दोस्तों गेंदबाजी भी करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों मोहसिन खान, दो गेंदों में 5 रन की पारी खेली थी। वजाहत रसूल हैं दोस्तों, मिफलाल हैं दोस्तों, और इस प्रकार की कुछ रहेगी दोस्तों इनकी बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद चलते हैं इनकी गेंदबाजी आपको दिखाते हैं। तो गेंदबाजी में दोस्तों मोहम्मद उबैदुल्ला दोस्तों चार ओवर में 2 मैटर ओवर निकाला था दोस्तों, और मात्र 8 रन देकर 2 विकेट निकाल लिए थे। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की थी दोस्तों। इस समय जो इनका इकोनॉमी था वो मात्र 2 का था दोस्तों, देख सकते हैं हम। इन्होंने 4 ओवर में मात्र 8 रन दिए और 2 विकेट निकाल लिए। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की मोहम्मद उबैदुल्ला ने। उसके बाद आते हैं शाहीन अली, 4 ओवर में 1 मैडन 24 रन 3 विकेट। कृष्ण चंद्रन, 4 ओवर में 36 रन 1 भी विकेट नहीं। अमीन मिफलाल जो कि दोस्तों 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट। वजाहत रसूल, 3 ओवर में 22 रन 1 विकेट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी जो है हेड टू हेड की टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, उसके बाद जो है दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो हेड टू हेड की टीम में सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम रखेंगे दुमित जयसूर्या को, जो कि दोस्तों 1 डाउन बल्लेबाजी करने आते हैं, इनको हम लेंगे। उसके बाद जो दोस्तों चलते हैं बल्लेबाजी सेक्शन में, तो बल्लेबाजी सेक्शन में हम लेंगे दोस्तों के चंद्रन को। उसके बाद जो दोस्तों लेंगे क्या नाम है आसिफ खान को एंड दोस्तों फैजान अवान को। और उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में लेंगे दोस्तों कुमार रामाकृष्णा को एंड अली अनवार को, खुर्रम ख्वाजा को एंड तहरान खान को। और उसके बाद अब गेंदबाजी सेक्शन की बात करें तो गेंदबाजी सेक्शन में हमने रखा दोस्तों मोहम्मद उबैदुल्ला को, हजरत बिलाल को एंड वजाहत रसूल को। तो कुछ इस प्रकार की जो है दोस्तों हेड टू हेड टीम रहेगी हमारी इस मुकाबले के लिए। कप्तान हमने बनाया है दोस्तों जो है खुर्रम ख्वाजा का, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही साथ पूरी जो है दोस्तों गेंदबाजी करने वाले हैं, 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी। तो वन ऑफ द बेस्ट जो है दोस्तों प्लेयर होने वाले इस मुकाबले में खुर्रम ख्वाजा। उसके बाद जो दोस्तों हमने वाइस कप्तान बनाया है वजाहत रसूल को, वजाहत रसूल जो कि दोस्तों पूरी गेंदबाजी करते हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं और 6 से 7 नंबर तक बल्लेबाजी करने चले आते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की हमारी जो है स्मॉल लीग की टीम होने वाली इस मुकाबले में। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की, तो ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों हम रखेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज में दुमित जयसूर्या को ही रखेंगे, और फिर बल्लेबाजी सेक्शन में दोस्तों हम जो है कृष्ण चंद्रन को ही रखेंगे, और साथ ही साथ जो है दोस्तों यफ अवान को हटाकर जो है दोस्तों हम लाएंगे इरफान आरिफ को। और उसके बाद जो है दोस्तों हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन सेम होने वाला दोस्तों स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का दोनों सेम होने वाला है, क्योंकि ये जो प्लेयर हैं दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं इस मुकाबले में। तहरान खान को आते हैं तो दोस्तों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि तहरान खान जो है बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो आपको गेंदबाजी से बेहतरीन पॉइंट देंगे, लेकिन अगर गेंदबाजी में फ्लॉप हो गए तो फिर बल्लेबाजी का इनका कुछ जो दोस्तों खास है इनके नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप चाहे तो ग्रैंड लीग में जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें गेंदबाजी में दोस्तों हम रखेंगे जो है उबैदुल्ला को रखेंगे, हजरत बिलाल को ड्रॉप करके हम लाएंगे दोस्तों मिफलाल को, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, इनको मात्र दोस्तों 4.95% लोगों ने जो है सिलेक्ट किया है। तो अगर ये दोस्तों 3 से 4 विकेट अगर निकाल लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपको देंगे और वन साइडेड जो है ग्रैंड लीग जिताएंगे। तो हम इन्हें अपनी टीम में लेंगे दोस्तों, और कुछ इस प्रकार की हमारी रहेगी ग्रैंड लीग की टीम। बाकी की और 3 से 4 ग्रैंड लीग की टीम जो है दोस्तों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।